सुप्रभात छात्रों, आज हम हमारे पांचवी कविता गुरुवाणी की ओर चलते हैं। गुरुवाणी देखेंगे। गुरुवाणी की ओर उड़ने से पहले मैं आपको हिंदी साहित्य के चार कालखंडों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है चार अलग अलग कालखंडों में किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है आदिकाल, फिर दूसरा आता है भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल। ऐसे चार कालखंडों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया है। उसमें से भक्ति काल जो है उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में रची गई जो रचनाएं हैं वो हर एक युग के लिए लागू होती है। भक्ति काल में आगे चलकर दो भक्ति धाराएं आती है, उसमें सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में परमेश्वर की सर्वसमावेशकता के बारे में बताया गया है। परमेश्वर के निर्गुण निराकार सर्वसमावेशक रूप के बारे में बताया गया है। तो सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, इस पर अनेक रचनाएं लिखी गई है। राम भक्ति के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, तो सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति में कृष्ण के गुणों का बखान किया है। तो निर्गुण भक्ति धारा में आगे चलकर दो शाखाएं आती है, उसमें से पहली है ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा में जायसी और उनका पद्मावत आ जाता है, तो ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर, गुरु नानक, रुंद जैसे महान संत कवि आते हैं, जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की है। यहाँ पर कबीर जी, गुरु नानक जी, उन्होंने पाखंड का विरोध किया है। समाज में जो पाखंड था, पाखंड का पाखंड मतलब क्या, पाखंड का अर्थ होता है कि पूजा अर्चा उससे संबंधित जो बाह्य आडंबर है उसका उन्होंने विरोध किया है। तो ये जो काल है ज्ञानाश्रय, ये जो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा है, उसमें से गुरु नानक जी जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा से आते हैं। तो चलो गुरु नानक जी के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तरमंडी गांव में हुआ है। उनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक तथा कवियों के गुण पाए जाते थे। बचपन से ही गुरु नानक जी को सत्संग का बहुत ही शौक था। गुरु नानक जी विश्व बंधुत्व को मानते हैं, सर्व धर्म समभाव को मानते हैं। गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में आपको अलग अलग भाषाओं का संगम मिलेगा, जैसे कि फारसी, मुल्तानी, अरबी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली जैसी भाषाओं का शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ऐसे गुरु नानक जी का निधन 1539 में हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब यह उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृति है, और ये जो हम गुरुवाणी आज सीखने जा रहे हैं, उसमें से जो पद है ये गुरु ग्रंथ साहिब इस ग्रंथ से लिए गए हैं। सिखों में 10 गुरु माने जाते हैं और गुरु नानक जी जो है इन सब में आद्य गुरु माने जाते हैं। तो गुरु नानक द्वारा लिखी गई यह गुरुवाणी जो है यह पद शैली में लिखी गई है। तो थोड़ा बहुत पद शैली का हम परिचय यहाँ पर लेते हैं। पद शैली यह काव्य रचना की गेय शैली है, और इसका विकास जो है, इसके विकास का मूल जो है हमें लोक गीतों में दिखाई देते। पद शैली को दो निश्चित परंपराएं मिलती है, उसमें से एक है सबद और दूसरी है कृष्ण भक्ति परंपरा। कृष्ण भक्ति परंपराओं में कृष्ण के गुणों का बखान किया गया है,
तो शब्द में अलग अलग उपदेश लोगों को दिए गए हैं ऐसे पदों के माध्यम से। तो चलो आज हम चलते हैं गुरुवाणी की ओर। समग्र कविता एक साथ पढ़ने के बजे में एक एक पद पढ़कर उसका स्पष्टीकरण आपको बताऊंगी। तो चलो चलते हैं। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते दिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूटा कहु नानक सऊ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तनविच स्वाह। ये जो गुरु नानक जी द्वारा लिखित गुरुवाणी का पहला पद है। सबसे पहले थोड़ा भाषा जो है इसकी समझने में कठिन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी रचनाओं में हमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली जैसे भाषाओं में से अनेक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है, इसलिए समझने में थोड़ी कठिन है। इसलिए मैं शब्दार्थ पहले आपको बता देती हूँ। आपने सुचेत मतलब अपने आप को ज्ञानी समझने वाला, अपने आप को महान समझने वाला व्यक्ति। तिल तिल अर्थात एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पेड़ जो कि खेत में अपने आप आ जाता है, जिसे महाराष्ट्र में कांग्रेस या गवत के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस गवत के नाम से जानते हैं हम उसे। बुआड़ यानी बुआई करना। सऊ अर्थात ईश्वर। तो ये जो पहला पद है इसमें से कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर गुरु नानक जी, गुरु का अपने जीवन में महत्व कितना होता है इसके बारे में बताते हैं। गुरु की, शिष्य की पहचान जो होती है वह गुरु से होती है। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, हमारा पहला गुरु होती है हमारी माँ, अर्थात जिसके गोद में हम खेलते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, जो हम पर संस्कार करती है, जो हमें चलना सिखाती है हमारी उंगली पकड़कर, जो हमें बोलना सिखाती है, ऐसी माँ यह हमारा पहला गुरु होती है। अगर मैंने आपसे पूछा भी तो जाहिर है आपका जवाब यही होगा, हर एक का पहला गुरु होता है उनकी अपनी माँ। उसके आगे जैसे हम पाठशाला में जाते हैं, पाठशाला में पढ़ाने वाले अध्यापक जो होते हैं वो हमारे गुरु बन जाते हैं, जिनसे हम जीवन जीने के लिए, जीवन संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो अध्यापक हमारे गुरु बन जाते हैं। अभी अभी 5 अप्रैल को हमने गुरु पूर्णिमा मनाई। गुरु पूर्णिमा मतलब ऐसा दिन जिस दिन गुरु के प्रति आदर मान सम्मान व्यक्त किया जाता है ना। तो यहाँ पर गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना है, हमारी पहचान जो होती है वो सिर्फ गुरु से होती है, यह बताया गया है। उदाहरण के तौर पर और भारत में अगर आप देखेंगे तो सदियों से ही गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महान रही है। जैसे कि कृष्ण भगवान है परंतु सांदीपनि ऋषि उनके गुरु है। जैसे कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी तो आपने बचपन से ही सुनी होगी, कही होगी। एकलव्य की जो पहचान है वो द्रोणाचार्य जी से है। एकलव्य ने जो शिक्षा ली उससे उसकी पहचान है, वो शिक्षा उसने कहाँ से ली, तो द्रोणाचार्य जी से ली। भले ही उन्होंने इस मूर्ति को, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति को अपना गुरु माना, उस मूर्ति की स्थापना कर उन्होंने उस मूर्ति के सामने शिक्षा प्राप्त की, परंतु द्रोणाचार्य जी की वजह से ही एकलव्य की पहचान है। उन्होंने जो शिक्षा एकलव्य को दी उससे ही एकलव्य की पहचान है, अर्जुन की पहचान है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अहम भाव होता है, अहंकार होता है, और इस अहंकार की वजह से उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए वह ज्ञान प्राप्त उन्हें नहीं होता, सिर्फ उनके अहंकार की वजह से। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, महान समझते हैं,
इनके जीवन में गुरु का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि तिल यानी खेत में जो पौधा अपने आप आता है, ये इसका जो फूल होता है वो चांदने के आकार का होता है, परंतु ये बहुत जहरीला होता है। इसलिए देखो आपकी ये जो कांग्रेस गवत आता है खेत में से उसे उखाड़कर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि जो फसल होती है खेत में आने वाली उसका नुकसान होता है इस तिल की वजह से। तो वैसे ही जैसे वो फूलों में जहर होता है, वैसे ही ये अहंकार, ये अहम भाव, ये व्यक्ति के मन में जहर होता है और सिर्फ इसी जहर की वजह से वह ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु के द्वारा जो ज्ञान उसे प्राप्त होना चाहिए वह उसे प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे लोगों की तुलना गुरु नानक जी ने तिल के उस पौधे के साथ की है। इसीलिए छात्रों को है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु के प्रति आदर रखना चाहिए, है ना। ऐसा कहा जाता है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं और है। अर्थात ईश्वर रूठ गए तो गुरु के द्वारा हम ईश्वर को मना सकते हैं, परंतु अगर गुरु ही रूठ जाए तो हम ईश्वर तक नहीं जा सकते। तो छात्रों ये जो पहला पद है इसमें यही कहा गया है कि अपने गुरु का सम्मान करो, आदर करो, गुरु की वजह से ही हमारी पहचान है। तो चलो छात्रों चलते हैं अगले पद की ओर। जले मोह घसी मसी करी, मते कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु ले खारी, गुरु पूछे लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंतन पारावार। छात्रों ये जो दूसरा पद है यहाँ पर गुरु नानक जी हमें कहते हैं कि गुरु के द्वारा जो पूंजी हमें मिलती है वो बहुत ही मूल्यवान होती है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। यूं होता है कि इंसान में मोह बहुत होता है, ये जो संसार रूपी माया जाल है इसमें हम फंसते जाते हैं, हमें लालसा उत्पन्न होती जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो चलो एक व्यक्ति है, इंसान जिसके पास साइकिल नहीं होती तो उसे लगता है कि अरे मेरे पास साइकिल तो होती कम से कम, साइकिल मिलती है उसे, साइकिल खरीदता है मेहनत से, साइकिल से उसके समाधान उसका समाधान नहीं होता, आगे चलकर उसे ऐसे लगता है कि अरे नहीं मेरे पास बाइक होनी चाहिए, स्कूटी होनी चाहिए। बाइक खरीदता है, स्कूटी खरीदता है, फिर भी समाधान नहीं होता, उसका मोह और लालसा बढ़ती जाती है और फिर अपेक्षा करता है चार पहियों वाली गाड़ी की, सोचता है कि अरे मेरे पास चार पहियों वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो ये जो लालसा है ना ये खत्म नहीं होती, ये इंसान मोह के जाल में यूं ही फंसता जाता है। किसी व्यक्ति की किसी चीज की हमेशा चाह उसके मन में रहती है, वो समाधान ही नहीं होता है। तो यहाँ पर गुरु नानक जी क्या कहते हैं देखो कि ये जो मोह है इसे जला दीजिए, इसे जला कर राख कर दीजिए और उसे जल में घिस कर उसकी स्याही बना लो। देखो क्या कहते हैं, जली, मैं यहाँ शब्दार्थ कहना भूल गई, जली अर्थात जलना, घसी अर्थात जलाकर घिसकर, मसी अर्थात स्याही, कलम अर्थात लेखनी, मति अर्थात बुद्धि और सालाह अर्थात ईश्वर, चितु अर्थात मन, ये शब्दार्थ है। तो यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि आपके अंदर जो मोह है उस मोह को जलाकर घिसकर उसकी स्याही बना दो, मते कागद करी सारू, और ये जो बुद्धि रूपी कागज है ना इस बुद्धि को कागज बनाओ, भाई कलम इस प्रेम भाव ईश्वर के प्रति गुरु के प्रति जो प्रेम भाव है
उसे अपनी कलम बनाओ। करे चितू लेखारी, चितू अर्थात मन, ये मन है ना, इसे लेखक बनाओ। और गुरु पूछी लिखू बिचारी, गुरु से पूछ कर क्या लिखना है, लिखो नाम सालाह लिखो, सिर्फ ईश्वर का नाम लिखो, सिर्फ ईश्वर की महिमा लिखो, सिर्फ ईश्वर के गुणों का बखान करो, लिखो अंतन पारावार। और अगर ऐसा आपने लिखा तो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर आपने ईश्वर के बारे में लिखना शुरू किया तो उसे अंत नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर के बारे में लिखो और ईश्वर की महिमा लिखना अगर आपने शुरू किया तो गुरु हमेशा आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इस मोह माया की जाल से बाहर आ जाओ, ईश्वर की साधना करो, ईश्वर का गुणगान करो, गुरु से पूछकर, और गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है ये मत भूलिए। इसलिए गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कीजिए, ईश्वर की महिमा लिखिए, जिसका कोई न अंत होगा न पारावार होगा। यहाँ पर ये जो मुहावरा दिया है, अंत न पारावार, न पारावार मतलब पारावार ना रहना है ना, जो कभी समाप्त ही नहीं होता, जिसका अंत ही नहीं है। तो छात्रों इस तरह इन दोनों दोहों के माध्यम से गुरु नानक जी ने हमें एक संदेश दिया है। पहले दोहे में वो कहते हैं कि गुरु के प्रति आदर मान सम्मान रखो, अपने मन से अहंकार को निकाल दो, अहम भावना रखो, क्योंकि गुरु की वजह से ही आपकी पहचान है। अगले दोहे में वो हमसे कह रहे हैं कि आपके मन में जो मोह है उसे जलाकर राख बना दो, और अपने बुद्धि को कागज बनाओ, और प्रेम भाव की कलम से ईश्वर का गुणगान लिखना, ईश्वर की महिमा लिखना शुरू कर दो। अपना जो ध्यान है पूरी तरह से ईश्वर की तरफ ही लगा दो। गुरु द्वारा जो पूंजी मिलती है, गुरु द्वारा जो ज्ञान आपको मिलता है, वही आपको ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति करा देगा। तो छात्रों सोचते हूँ मैं, आशा करती हूँ कि ये जो दो दोहे आज हमने सीखे हैं गुरुवाणी के, आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दोहों के साथ, तब तक के लिए अलविदा।